सोलन के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में मंगलवार को 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। अभी तक मिली अपडेट के अनुसार इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके शव को देर रात बाहर निकाला गया। आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग के मलबे में 5 मजदूर दबे थे, जिनमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 1 का शव बाहर निकाला गया, जबकि 1 अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है। मंगलवार को दोपहर करीब 1:30 बजे औद्योगिक क्षेत्र परवाणु के सेक्टर 2 में 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक जमींदोज हो जाती है। ये बहुमंजिला भवन उस वक्त भरभराकर गिर गया जब बिल्डिंग की बेसमेंट में कुछ मजदूर मौजूद थे। बिल्डिंग गिरने की आवाज सुनते ही आसपास के भवनों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई और वे बाहर निकल आए। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच जाता है। बिल्डिंग गिरने की खबर कुछ ही मिनटों में औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में आग की तरह फैल जाती है। हालांकि जैसे ही स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना मिली तो अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया। कुछ समय बाद NDRF के जवानों से भरी एक बस मौके पर पहुंची। इसके बाद मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। घटना के कुछ समय बाद 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर टीम मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रही। सभी को उपचार के लिए ASI अस्पताल परवाणु में भर्ती किया गया। जिन 3 मजदूरों को बाहर निकाला गया उनमें से 1 मजदूर को अधिक चोटें आई हैं व 2 को कम चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग गिरी है वे एक नामी कंपनी की है और इसमें मिक्सी के अलावा अन्य सामान बनता था। कुछ समय पूर्व इस कंपनी में आग की चिंगारी भड़क गई थी, जिसके बाद यहां कामकाज ठप पड़ा था। इन दिनों कंपनी के प्रबंधन वर्ग द्वारा बेसमेंट में निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसमें एक JCB सहित कई मजदूर कार्य में जुटे थे और इसी दौरान अचानक बहुमंजिला भवन गिर गया।